अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या डिस्कस करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा पे एंड टेन। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा या एन कैप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इसको कैसे मान लीजिए, सपोज दैट एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा वेक्टर बी इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एंड टैन। यहां देखिए ए क्या है, आप जानते हो ए या ए जी, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि ये ए का क्या है मैग्नीट्यूड, बी क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, उसको भी कहते हैं, ये बी का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या होता है? एंगल होता है, इसके बीच में एंगल बनता है, थीटा कहते हैं। यहाँ पे एन नोटिस देने वाली चीज है, यहाँ पे एन नया टर्म्स आया और इसी एन की वजह से ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, यानी ए बी साइन थीटा एन कैप वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, या एन कैप को कहते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ए फर्स्ट यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। आप ये देखिए जो एन कैप है, एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है। ठीक है, ए होता है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन चूंकि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होता है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। देखिए इस तरह से समझिए, अब देखिए ये ए क्या है, अब ये आप देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, भले इसका मैग्नीट्यूड वन हो लेकिन ये वेक्टर है, और इसी वेक्टर की वजह से ये टोटल को वेक्टर कर देती है। ठीक है, ये जो है मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन अटैच हो जाता है, तो ये टोटली क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो आप ये देखो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये हमें ए बी साइन थीटा के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन एन कैप का डायरेक्शन कहाँ होगा वो हमको जानना है। तो ए और बी का प्लेन क्या है, ये है ए और बी जो प्लेन बना रहे हैं वो आपका बोर्ड का प्लेन है, जहां बोर्ड है वही, जो बोर्ड है वही प्लेन है। अब इसमें हम एन कैप का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे,
तो जो n कैप का डायरेक्शन होगा उसको वो उसमें एक रूल्स को अप्लाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। इस राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, राइट हैंड में स्क्रू पकड़ोगे और ये जो वेक्टर थीटा ए टू बी बना रहा है उस थीटा के अकॉर्डिंगली ये चारों कर्ल्ड फिंगर्स को आप ऐसे करोगे। तो जब ऐसे करोगे तो ये जो है वो आगे जाएगा, क्योंकि स्क्रू कसोगे तो वो आगे जाएगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल तो ये ऐसे कसिएगा, आप ऐसे कैसे जा रहे हो, आप थीटा के अकॉर्डिंगली जा रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में होगा। और चूंकि इस डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो एन की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी, ये आपका एन कैप होगा। यानी यहाँ पे एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड टू बी प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मॉड मालूम है ए का, बी का मॉड मालूम है, ए का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है, साइन थीटा मालूम है, बस इसी को थोड़ा सा मालूम करना। तो इसको मालूम करने के लिए ये मान लीजिए फिगर है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और बी से कंटेनिंग एक प्लेन बन रहा है। तो अब थीटा देखो, थीटा का डायरेक्शन क्या है, थीटा का डायरेक्शन ए टू बी है। ठीक है, तो आपका आप राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करोगे और थीटा के डायरेक्शन में कर्ल फिगर ऐसे करोगे तो आपका स्क्रू इस डायरेक्शन में जाएगा और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम जब एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कर लेंगे तो आपका ए और बी टोटल का डायरेक्शन भी फाइंड होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वही एन कैप का डायरेक्शन होता है, ये मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इससे रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वेक्टर के बारे में आई जे के बारे में डिस्कस करेंगे, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई जे के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।